रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 महीने के लॉकडाउन से देश में आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री वाले टॉप 6 राज्यों के ज्यादातर इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं। उन्होंने बताया कि इन राज्यों की इंडस्ट्रीज का आर्थिक गतिविधियों में 60% का योगदान रहता है। RBI गवर्नर ने बताया कि COVID-19 से दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है। अप्रैल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। WTO के अनुसार दुनिया में कारोबार इस साल 13-32% तक घट सकता है। RBI ने कहा कि देश में मांग में भारी गिरावट देखी जा रही है। बिजली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत में कमी आई है। निजी खपत में भी खासी गिरावट आई है। RBI गवर्नर ने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एक्सिम बैंक को दिया जाएगा। साथ ही सिडबी को भी दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिनों तक करने की इजाजत दे दी गई है। दास ने कहा कि वित्तीय मौद्रिक और प्रशासनिक एक्शन से वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था के सुधार की परिस्थितियाँ बनेंगी। RBI गवर्नर ने बताया कि खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में दालों में महंगाई चिंता की बात रहेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है। आर्थिक गतिविधियों में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद सुस्ती आई है, जिससे सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ है। रेपो रेट में कटौती के बाद 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड की यील्ड में 0.15% की कमी आई है। RBI गवर्नर ने बताया कि बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को 30% से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। EMI चुकाने वाले ग्राहकों को RBI ने बड़ी राहत दी है। लोन मेरेटोरियम की अवधि 3 और महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब 31 अगस्त तक ग्राहक इसका लाभ ले सकेंगे। RBI गवर्नर ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 अरब डॉलर बढ़ा है। RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि पॉलिसी लेवल पर बैंक जरूरत के अनुसार फैसले लेता रहेगा। RBI गवर्नर ने बताया कि मेरेटोरियम की समय सीमा बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि 3-5 जून को MPC की बैठक होनी थी। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को दरों में कटौती का फायदा मिलने में तेजी आई है। RBI गवर्नर ने जोर देकर कहा कि MCP के अनुसार दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का अनुमान है। RBI गवर्नर ने बताया कि मांग में कमी के कारण निवेश में भी भारी कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 60% गिरा है। RBI गवर्नर ने बताया कि साल 2021 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ निगेटिव रह सकती है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 दूसरी तिमाही में सुधार आ सकता है। RBI गवर्नर ने बताया कि अप्रैल में खाद महंगाई दर में तेज उछाल आया है, यह 8.6% रही है। मौद्रिक नीति समिति का मानना है कि महंगाई का परिदृश्य मौजूदा समय में अनिश्चित है। श्री दास ने कहा कि मार्च में औद्योगिक उत्पादन 17% घटा है। अप्रैल में सर्विसेज PMI अब तक के सबसे निचले स्तर पर रहा है। RBI गवर्नर ने जोर देकर कहा कि COVID-19 से निजी खपत को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में एग्रीकल्चर से उम्मीदें हैं। फॉरेन रिजर्व 487 बिलियन डॉलर है। शक्तिकांत दास ने कहा कि निवेश की मांग लगभग थम गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा असर निजी खपत पर पड़ेगा। दास ने कहा ग्लोबल सर्विसेज PMI में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। वैश्विक कारोबार के मूल्य में इस वर्ष 13-32% की कमी आ सकती है। RBI गवर्नर ने बताया कि उपभोक्ता उत्पादों की मांग में मार्च महीने में 33% की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग PMI अप्रैल महीने में 27.4% ही रही है। RBI गवर्नर ने बताया कि सर्विसेज PMI अप्रैल महीने में 5.4% रही है। RBI गवर्नर ने जोर देकर कहा कि MCP के 6 में से 5 सदस्य रेपो रेट घटाने के लिए सहमत हुए हैं। रिवर्स रेपो रेट को भारतीय रिजर्व बैंक ने 3.75% से घटाकर 3.35% किया।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की 0.40% की कटौती। लोन की ईएमआई का बोझ कम होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि एमपीसी पॉलिसी रेपो रेट में 0.40% की कटौती पर सहमत हुई है। मार्च में आरबीआई ने कर्ज लेने वाले लोगों, कर्जदाताओं और अन्य इकाइयों जैसे म्यूचुअल फंडों के लिए कई सकारात्मक कदमों की घोषणाएं की थी। इसके साथ ही वादा भी किया था कि आने वाली परिस्थितियों के लिए केंद्रीय बैंक और जरूरी कदम उठाएगा। इस साल फरवरी की मौद्रिक नीति की बैठक के बाद आरबीआई ने जीडीपी के 3.2% के बराबर फंड अर्थव्यवस्था में डाला है ताकि लिक्विडिटी से जुड़ी परिस्थितियों को आसान बनाया जा सके। आरबीआई के इस कदम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफी सराहा है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इससे तमाम लोगों को राहत मिलेगी। युवा शक्ति डेस्क की ये खास रिपोर्ट।